तो जो अनाउंसमेंट करनी थी वो अनाउंसमेंट अनमोल करेगा। हेलो जी, नमस्कार, स्वागत है आप लोगों का फिर से एक नए व्लॉग में। मैं फैजल, अनमोल और अभिषेक अभी हैं सब लोग ताज होटल में। बज रहे हैं सुबह के 9। मैं हो चुका हूँ फ्रेश वेश और मस्त ब्रश व्रश कर चुके हैं। अनमोल भाई साहब की ब्रश बची है, सब लोग ब्रश कर चुके हैं, फ्रेश हो चुके हैं। और अभी कहाँ जाना है हमने? ब्रेकफास्ट करने जाना है। ब्रेकफास्ट करने जाना है तो बस फ़ोन आने ही वाले, जो होटल वाले फ़ोन करते हैं ना उसका फ़ोन आने ही वाला है कि भाई सर आ जाइए ब्रेकफास्ट करने। क्यों आने वाला भाई, 10:30 तक का टाइम है, तुम वीआईपी है, जो तेरे को 9 बजे फ़ोन आ जाएगा, आ जाइए। 10:30 का जो टाइम रहता है ना तो ये उसी हिसाब से तैयार होता है। अगर ये 9:30 का टाइम होता ब्रेकफास्ट का तो उस हिसाब से तैयार होता है। रोज 11 बजे उठ रहा था। नहीं, लेकिन हम भाई सब लोग लेट उठने वालों में से हैं जब कहीं बाहर जाते हैं तो। लेकिन आज 7:30 बजे फैजल उठा। सबसे पहले मैंने सबको उठाया, फिर ये इसने उठ के सबको उठाया 7:30 बजे। ये भी उठ गया था, मैं भी उठ गया था। लेकिन जो एसी है ना यहाँ होटल का बहुत ज़्यादा ठंडा है तो पूरा ऐसे चिल 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 करके रख रखा है इसने, बहुत सही मज़ा आ रहा है। आज का प्लान कुछ इस तरह से है कि हमें जाना है ताजमहल देखने, वाइट और ब्लैक दोनों। मतलब मुझे भी नहीं पता था आज तक कि वाइट ताजमहल के बिल्कुल जस्ट सामने ब्लैक ताजमहल भी है। लेकिन कल मेरी ये नॉलेज थोड़ी बढ़ाई गई कि ब्लैक ताजमहल भी है वाइट ताजमहल के बिल्कुल सामने, लेकिन एक दिक्कत हो सकती है वो ये कि लॉकडाउन लगा हुआ है यूपी में, अगर ताजमहल बंद रहा तो हम अंदर से नहीं देख पाएंगे। मतलब जिस चीज़ के लिए हम दिल्ली से आगरा आए हैं वो चीज़ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सिर्फ 2 दिन के लिए आए थे, फ्राइडे सैटरडे। फ्राइडे नाइट कल ख़त्म, फ्राइडे को तो वैसे ही बंद होता है ताजमहल, तो आज बचे ही सैटरडे नाइट। तो सैटरडे नाइट फिर संडे हमने जाना ही है। कल कितने बजे निकलेंगे? कल 12 बजे कट लेंगे यहाँ से चेकआउट। हाँ, कल 12 बजे चेकआउट टाइम है, 12 बजे निकल जाएंगे यहाँ से और सीधा दिल्ली लगाएंगे, क्योंकि इसको भी कहीं जाना है, मुझे भी कहीं जाना है संडे को। छोटी सी ट्रिप थी, फटाफट से आए थे और फटाफट से निकल जाएंगे। आगरा में कुछ है नहीं ऐसे सच करने के लिए, एक दो चीज़ें देखने के लिए, वो देखो, कोई अच्छी प्रॉपर्टी में रुको और बढ़िया से इंजॉय करो हर चीज़ को, है ना? सो बिल्कुल सही, सो खाओ पियो मौज करो, खाओ। अच्छा, तो ट्रैवल की बात आई गई है तो हम लोग एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट करने वाले हैं आज इस व्लॉग में, मतलब आगे आपको पता चलेगा। पहले ब्रेकफास्ट वगैरह करें, फिर उसके बाद बैठेंगे मैं और अनमोल, फिर बातचीत करेंगी। आ गई कहाँ? कुछ खाने, ब्रेकफास्ट करना। सबसे ज़्यादा टाइम यही लगाता है, एक्सपोज कर रहा हूँ मैं इसको। उससे ज़्यादा टाइम ये लगाते हैं महाराज। फैजल है सबसे ज़्यादा मेन, ये उठता भी लेट है, खाता भी लेट है, ब्रश भी लेट, ब्रश तो करता नहीं है खैर। तो भैया अभी ब्रेकफास्ट करेंगे, क्या खाएगा? मैं खाना ही खाऊंगा। खाना ही खाएगा, चलो फिर लेके आते हैं, फिर फटाफट से उठते हैं। सो राउंड 1 का ब्रेकफास्ट, दाल वड़ा, कर्ड, आलू की सब्ज़ी और पनीर पराठा, आलू पराठा हाफ हाफ पीस। इसके बाद राउंड 2, ये सब लोग लेके आए हैं इडली विडली साउथ इंडियन। ये देखो ये, तो ब्रेकफास्ट डन, वो दोनों जा चुके हैं क्योंकि मैं उठ नहीं रहा था। मैंने 7 राउंड लगाए और अराउंड 4000 कैलोरीज खा ली। मतलब पेट अभी ऐसा हो गया ना कि शायद ही मैं लंच कर पाऊँ, शायद 4000 कैलोरीज, 4000 fucking कैलोरीज। हाँ शायद, अगर भाई एडिटिंग करते हुए भूख लग गई, क्योंकि आजकल मेरे को पता नहीं बहुत ज़्यादा भूख लग रही है। जब से मैं ले से आया हूँ ना तब से मैं बस खा रहा हूँ और कुछ नहीं कर रहा मैं। क्यों, रीज़न बता? क्योंकि ले में इतना अच्छा खाने नहीं मिला था बस। और भाई यहाँ पे मैंने अभी लास्ट जो राउंड था वो मेरा था मिल्क का। और रूम में चलते हैं, अनाउंसमेंट करते हैं पहले, तो वो जो अनाउंसमेंट करनी है। चलो भाई जल्दी चलो। तो ब्रेकफास्ट करके ज़रा टहलने निकले थे, तो टहलते टहलते मैं और अभिषेक आए 8 बॉल खेलने। चल एक फ्रेम खेलते हैं, उसके बाद चलेंगे एडिटिंग करने, ठीक है? चलो एक फ्रेम खेल लेते हैं, उसके बाद बात करते हैं आपसे। तो जो अनाउंसमेंट करनी थी वो अनाउंसमेंट अनमोल करेगा। हाँ, तो हमने बहुत टाइम से प्लान बनाया था कि हम अपने साथ लोगों को ट्रैवल पे ले जाएंगे और अगर रिस्पॉन्स अच्छा है तो अपना ही कुछ शुरू भी कर देंगे। तो जब हम कश्मीर गए मैंने इसको बोला कि ऐसे ऐसे भैया शुरू करते हैं एजेंसी, अपनी टूरिंग एजेंसी जिसमें ट्रैवल करवाते हैं। तो उस वक्त कोविड की सेकंड वेव आगे कर नहीं पाए, बट अब हम इंटरनेशनल प्लान कर रहे हैं। कहाँ का? दुबई। दुबई का। तो आप में से बहुत लोग कहते रहते हैं कि भैया हमें साथ लेकर चलो, साथ लेकर चलो, हमें भी सस्ते में घूमना है। देखो एक ना लोगों के दिमाग में वो बनी हुई है कि अगर बाहर घूमने
जाना है तो 1 से 1.5 लाख 2 लाख रुपए लग जाते हैं 5-6 दिन के, बट ऐसा कुछ नहीं है। मैं जितनी कंट्रीज में गया हूँ मैंने बहुत सस्ते में किया, तो वही हमारा मेन एम रहेगा कि हम आपको सस्ते सस्ते में घुमाने की कोशिश करें। जैसे दुबई ट्रिप हो गया 50-60-70 हज़ार में, डिपेंड करता है आप फ्लाइट कौन सी चूज करवाओगे, होटल कौन से करवाओगे। तो ये सब हम अभी वैसे करने तो अगस्त सेप्टेम्बर में थे, बट अब कोविड की थर्ड वेव का कुछ नहीं पता तो हमने इसको शिफ्ट कर दिया है अक्टूबर में, कि भैया अक्टूबर में ट्रिप करेंगे। बट हमने अनाउंसमेंट अभी कर दिया कि आपको अगर किसी को जाना है, हम 20 लोगों को ही ले जाएंगे मैक्सिमम, बट आप में से अगर आप उनमें से एक बनना चाहते हो तो अपना पासपोर्ट रेडी रखना, पासपोर्ट रेडी रखना एनी टाइम। हम अगर थर्ड वेव नहीं आती सब कुछ सही रहता है, कोई भी कोविड वगैरह कुछ वो नहीं होता, तो हम एनी टाइम अनाउंस कर देंगे कि भाई इतना अमाउंट है वो डिपॉजिट कराओ और साथ में चलो। सिर्फ 20 लोग, सब कुछ हम आपका करवा के देंगे, टिकट से लेकर होटल बुकिंग से लेकर टूर वहां पर 5-6 दिन का, जहां साथ में हम रहेंगे। हाँ, साथ में हम भी रहेंगे फर्स्ट 2-3 ट्रिप्स में, जितनी भी हम अलग अलग जगह पे ले जाएंगे तो वो आप देख लेना उस हिसाब से। बस 1-2 टर्म्स एंड कंडीशंस रहेंगी, वो आपको जब हम अनाउंस करेंगे तब। ये मतलब एक अनाउंसमेंट तो यही होगी कि अपने पासपोर्ट वगैरह रेडी रखना, बस पासपोर्ट लेकर रखो, क्योंकि बना हम हो सकता है सेप्टेम्बर में ही ले, अक्टूबर में ही ले, कभी भी वो हम 5-10 दिन पहले बताएंगे, फटाफट टिकट बुक करवाएंगे, कोविड के ऊपर डिपेंड करता है। और बस 5-10 दिन के अंदर ही टिकट बुक होएंगी, होटल्स वगैरह सब कुछ हो जाता है, अरेंज हो जाता है, 15 दिन के अंदर अपना वीजा भी मिल जाता है, दुबई का तो जल्दी मिल जाता है, 1 हफ्ते में मिल जाता है। तो यही सीन था, यही अनाउंसमेंट थी, सही है ना? बिल्कुल ठीक है। तो रेडी रखो पासपोर्ट वगैरह, कभी भी अनाउंस कर देंगे जब चलना रहेगा, और सिर्फ 20 लोगों को लेके जा रहे हैं, और टर्म्स एंड कंडीशंस में आपको समझा दूंगा जब वो ट्रिप आएगी। सही है? बिल्कुल सही है जी। अब काम कर लेते हैं, एडिट इसने, तूने तो एडिट कर भी लिया, अपलोड लगा रहा है, यहाँ पे नेट बहुत स्लो आ रहा है, मैं फटाफट से एडिट कर लूँ। कितना टाइम हो रहा है? 12 बज गए हैं, आधा घंटे में एडिट हो जाएगा मेरा, आधे पौने घंटे में, उसके बाद अपलोड करके निकल जाते हैं बाहर नहा धो के। मैं और अनमोल बिल्कुल तैयार होके बैठे हैं। हाँ भाई अनमोल एकदम बढ़िया। हाँ तो मैं और अनमोल एकदम तैयार होके बैठे हैं, बाहर क्या मौसम हो रखा है देखो, अभी मैं बिल्कुल इस पे खड़ा हूँ और बिल्कुल धूप नहीं आ रही बाहर से, क्या मौसम हो रखा है बाहर। और अब इसको लगी है भूख है तो इसको खाना है सब्वे, भूख तो मेरे को भी लगी है। सुबह इतना हैवी ब्रेकफास्ट करने के बाद भी अभी बज रहे हैं 2:30 बज रहे हैं, हम दोनों के व्लॉग लाइव हो चुके हैं, देख रहे हो कंसिस्टेंसी। लेकिन मैं बताऊं, इसके साथ मैं रहता हूं या संस्कार के साथ रहता हूं ना, या सिर्फ 2 बंदे हूं तो व्लॉग मेरे निकल जाते हैं, जैसे दुबई में मेरे फटाफट निकल गए थे, गोवा में भी कोशिश करी थी कि निकल जाए व्लॉग्स, मतलब जल्दी जल्दी व्लॉग्स निकालने की रहती है वो। पर अगर 6-7 लोग हों और फिर उसमें आलस भी आता है, एक आलस कर रहा है उसको देख के दूसरा आलस करता है इस करके फिर। और लेह में तो ऐसा सीन था कि वहाँ तो इंटरनेट ही नहीं था, तो वहाँ के तो व्लॉग होने ही नहीं थे अपलोड, वो अभी जो पेंडिंग लेह व्लॉग्स हैं वो इस 2-3 व्लॉग्स के बाद आएंगे। She just wanna highlight. Ooh wee, that body talk to me. I need a taste, baby. Taste, baby. Loving the way, yeah. Loving the way you move around me. No more delay. निकले तो थे होटल से कुछ अच्छा सोच के कि ताजमहल जाएंगे, लेकिन ताजमहल माय फ्रेंड्स फ्राइडे सैटरडे संडे बंद है, तो जहाँ कल रात को खाना खाया था वहीं पे आ गए हैं। अनमोल को लगी है बहुत तेज भूख, पता नहीं क्या, सुबह इसको बोला था मैंने अच्छे से ब्रेकफास्ट कर ले, सुनता नहीं है ये बिल्कुल भी, ब्रेकफास्ट नहीं किया इसने, अब भूख लगी इसको बहुत तेज, खाना खाएंगे चलो। तो ये भैया जी, इनका चैनल है द नोमैड इंजीनियर, जाके सब्सक्राइब करो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। कल तो यार पॉपर्ट हो गया बहुत बुरे वाला कि ताजमहल ही बंद है, और पॉपर्ट कराने के बाद हम लोग, मतलब अनमोल गाड़ी चला रहा था और बिना कोई मैप लगाए ऐसे ही निकल लिए, और हम कहाँ पहुँचे थे अनमोल, मुंबई हाईवे पे, तो वो बिना मैप लगाए जहाँ भी निकले तो उसके चक्कर में हम पहुँच गए मुंबई हाईवे। अब मुंबई हाईवे से फिर वापस का मैप लगाया, वहाँ से आधा पौना घंटा दिखा रहा था, लेकिन गूगल मैप ने ऐसा गलियों में घुसाया भाई, कल तो रात को इधर उधर आगरा की गलियों में ही भटक रहे हैं, मैं ऐसा लग रहा किसी गाँव वाँव में आ गए, आगरा की गलियों में भटक रहे थे, शाम हो गई थी, अंधेरा हो गया था। उसके बाद जैसे तैसे मेन रोड पर कनेक्ट करे और फटाफट से अपना बाहर की तरफ आए खाना वाना खाने के लिए, लेकिन फिर हम इतना लेट हो गए थे कि खाने वाले आउटलेट्स बंद हो गए। उसके बाद रास्ते में ना TDI मॉल आ गया है, वहाँ पे मैकडी का ड्राइव थ्रू है, मैकडी का मैक पफ और मैक आलू टिक्की वगैरह सब लिया और आए यहाँ पे रूम पे खाया और सो गए। भाई मेरे तो सिर में कल इतना दर्द हो रहा था, वो गाड़ी का AC सीधा लगता है ना सर में, तो उसकी वजह से थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का पिंच होने लग गया सिर में दर्द में। तो अब मैं आराम से रात को सोया, 2 रातों से मेरी नींद मतलब जो रेगुलर होती है उससे कम ही हो रही थी, तो आज कल रात को मतलब बहुत आराम से सोया। आज उठा सुबह 9:30 बजे, फैजल के रूम में गया तो देखा फैजल उठा हुआ है, अनमोल भी उठ गया है,
एडिटिंग चल रही है, मैं भी ये व्लॉग अभी एडिट करके डाल दूंगा आज। तो बस यही इन्फॉर्मेशन थी, तो इस व्लॉग के लिए गाइस इतना ही रखते हैं, मैं मिलता हूँ आप लोगों से अगले व्लॉग में। टिल देन गुड बाय एज ऑलवेज, टेक केयर, बाय।